Phuket, the tropical paradise which is located in southern part of Thailand. Be it pristine beaches, crystal clear water, or lush green jungles, Phuket has it all and is the perfect destination for those seeking adventure, relaxation, and natural beauty. Hello guys, this is Moshumi and you are watching our channel Escape with MS. ये है हमारे थाईलैंड गाइड सीरीज का पार्ट 3, वेयर इन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में आपको बैंकॉक एंड पटाया के रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फुकेट, यहाँ कैसे पहुँचे, आइटनरी क्या होनी चाहिए, होटल्स, यहाँ के प्लेसेस टू विजिट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब में आपका कितना बजट लगेगा। सो ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। सो पहले बात करते हैं हाउ टू रीच फुकेट। फुकेट के लिए आपको इंडिया के सभी बड़ी शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ आप वाया बैंकॉक भी पहुँच सकते हैं। बैंकॉक से आपको बस का ऑप्शन भी मिल जाता है, विच टेक्स अराउंड 15 आवर्स टू रीच फुकेट। सरप्राइजिंगली बैंकॉक से फुकेट तक का फ्लाइट या बस दोनों के फेयर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। सो अगर आप इन एडवांस बुक कर ले, देन फ्लाइट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू रीच हियर। एंड हाँ, विंडो सीट ज़रूर बुक कर लेना टू एंजॉय द मेसमराइजिंग व्यूज ऑफ द आइलैंड। तो अब बात करते हैं द प्लेसेस टू विजिट इन फुकेट, विच विल इंक्लूड पटोंग बीच, वाटचोलोंग टेम्पल, बिग बुद्धा, फुकेट ओल्ड टाउन, बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट, टाइगर किंगडम, एलिफेंट सेंचुरी, फिफी आइलैंड एंड जेम्स बॉन्ड आइलैंड। अब बात करते हैं फुकेट घूमने के लिए आपकी आइटनरी क्या होगी। अगर आपके पास टाइम लिमिटेशन है तो आप हमारी तरह फुकेट 2 nights and 3 days में घूम सकते हैं, और अगर आप सिर्फ फुकेट घूमने आ रहे हैं एंड टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, देन इस ब्यूटीफुल आइलैंड में 7 दिन भी कम है। डे 1 में आप अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेकर फुकेट पहुंच जाएं। होटल चेक इन करने के बाद आप फुकेट का हाफ डे टूर ले सकते हैं। इस टूर में आप फुकेट के सभी फेमस टूरिस्टिक अट्रैक्शंस कवर कर सकते हैं, जिसमें पहले आता है द बिग बुद्धा। बिग बुद्धा फुकेट के साउथ में लोकेटेड है और यहाँ के मैजेस्टिक बुद्धा स्टैचू की हाइट अप्रॉक्सिमेटली 45 meters है। ये स्टैचू पूरे फुकेट से विजिबल है और यहाँ पर टूरिस्ट को एक ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफर करता है। बिग बुद्धा टेम्पल में आपको बुद्धा की टीचिंग्स और फिलोसॉफी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे। एंड ये प्लेस नॉट ओनली रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है, बल्कि यहाँ के पैनोरामिक व्यूज आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देगा। यहाँ से आप पूरा फुकेट आइलैंड देख सकते हैं। देन विजिट टू वाटचोलोंग टेम्पल। वाटचोलोंग एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको लॉर्ड बुद्धा के इमेजेस, टेम्पल बेल्स एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स भी देखने को मिलेंगे। इस टेम्पल में आने से आपको एक स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपीरियंस मिलता है, एंड ये वो जगह है जहाँ बुद्धा के टिथ को प्रिजर्व किया गया है। देन विजिट टू टाइगर किंगडम। ये एक टाइगर पार्क है जहाँ आपको अडल्ट टाइगर्स से लेकर कब्स तक के सारे एज के टाइगर्स मिलेंगे। यहाँ पर आप इन टाइगर्स के साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं एंड उनके साथ खेल भी सकते हैं। टाइगर किंगडम एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड पार्क है जहाँ पर टाइगर्स की केयर और सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यहाँ पर आपको ट्रेंड हैंडलर्स मिलेंगे जो आपको टाइगर्स के साथ इंटरेक्ट करने और उन्हें फीड करने में हेल्प करेंगे। फुकेट ओल्ड टाउन इज अ प्लेस वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। यहाँ आप थाई, फ्रेंच एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द नैरो स्ट्रीट एंड हिडन एलिवेज ऑफ दिस हिस्टोरिक नेबरहुड इज अ एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ओन। इसके अलावा आप यहाँ के एलिफेंट सेंचुरी, बिग बी फार्म एंड कैश्यूनट फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं। आप ये सारी जगह हाफ डे टूर लेके घूम सकते हैं, और अगर आप यहाँ टूर नहीं लेना चाहते हैं, देन आप यहाँ बाइक भी रेंट कर सकते हैं एंड ये सारी जगह कवर कर सकते हैं। बट मेक श्योर टू कैरी योर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम इंडिया। फुकेट में बहुत जगह चेकिंग होती है एंड आपको बहुत भारी भरकम फाइन भी देना पड़ेगा। इवनिंग में आप यहाँ के पटोंग बीच एरिया में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इवनिंग में ये जगह बहुत ही लाइवली हो जाती है। यहाँ आप बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट में ज़रूर विजिट करें, एज ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है इन फुकेट। बिफोर कॉलिंग इट अ डे, मेक श्योर आप पटोंग बीच लेन में फिफी आइलैंड एंड जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर बुक कर लें। हमने फिफी आइलैंड का टूर बुक किया था एंड इट वॉज वर्थ इट। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन है, देन आप जेम्स बॉन्ड आइलैंड भी जा सकते हैं।
डे टू अराउंड 7 बजे तक आपका होटल से पिकअप हो जाएगा, सो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर व्हाट द डे हैज इन स्टोर फॉर यू. डिवाइन बीचेस, टर्किश वाटर एंड नेवर सीन बिफोर लैंडस्केप, ये दिन आपके थाईलैंड ट्रिप का बेस्ट डे होने वाला है. इस ट्रिप में आपको 5 to 6 पॉइंट्स घुमाया जाएगा, अमॉन्ग विच विजिट टू माया बे विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रिप इज यू गेट इंडियन फूड ड्यूरिंग लंच ब्रेक. फ्यू थिंग्स विच वी वॉन्ट टू क्लैरिफाई. नंबर 1, मंकी आइलैंड में ट्राई नॉट टू लीव द बोट बिकॉज ये वाइल्ड मंकीज होते हैं एंड इफ यू आर हर्ट इट्स नॉट कवर्ड इन द इंश्योरेंस, सो स्टे इन द बोट एंड कैप्चर फोटोज एंड वीडियोज. नंबर 2, अगर आप स्नॉकलिंग करने वाले हो जो कि इस टूर में इंक्लूडेड रहता है, देन मेक श्योर आप कवर्ड स्लीपर्स कैरी करें एज देर इज अ चांस ऑफ गेटिंग हर्ट इन द कोरल्स. नंबर 3, अगर आपको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है देन कैरी योर मेडिसिंस कज ये राइड बहुत ही बम्पी होने वाली है. आफ्टर द लॉन्ग डे ट्रिप हेड बैक टू होटल एंड टेक रेस्ट. नाइट इज ऑन यू. इफ यू वॉन्ट टू पार्टी आप बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं एंड इफ नॉट कॉल इट अ डे. डे 3, दिस इज द डे वेन यू से गुड बाय टू थाईलैंड अंटिल नेक्स्ट टाइम एंड हेड बैक टू इंडिया. अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन है, आज आप जेम्स बॉन्ड आइलैंड जा सकते हैं. इस टूर में आप कायाकिंग, स्नॉकलिंग का मजा ले सकते हैं और उसके साथ साथ फेमस जेम्स बॉन्ड आइलैंड भी विजिट कर सकते हैं जहां जेम्स बॉन्ड की मूवी शूट की गई थी. तो अब बात करते हैं होटल्स की. फुकेट में स्टे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पटोंग एरिया, जहां आप बीच रोड एंड बांग्ला स्ट्रीट इजीली एक्सेस कर सकते हैं. एज हमें शांत एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद है तो हमने हमारा स्टे मेमोरी बुटीक होटल में किया था विच इज़ 10 मिनट्स फ्रॉम पटोंग एरिया एंड इज द बैक साइड ऑफ द बीच रोड. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज यहाँ आसपास बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे. सो अब बात करते हैं फुकेट में आपका बजट कितना होगा. जैसे कि हमने इंडिया टू बैंकॉक फ्लाइट का खर्चा वीडियो के पार्ट 1 में इंक्लूड किया है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट. यहाँ आपको फ्लाइट और बस से आने का खर्चा होगा 3500 रुपीज़. अब हमारे आइटिनरी के हिसाब से आपको यहाँ होटल्स लेना है फॉर 2 नाइट्स. लग्जरी होटल का खर्चा पर नाइट 10,000 रुपीज़ होगा और एवरेज रूम का खर्चा 2,500 रुपीज़ पर नाइट का खर्चा होगा. फुकेट में सारे अट्रैक्शंस एंड डे टूर का खर्चा आपको पड़ेगा 6,000 रुपीज़ विच विल इंक्लूड डे टूर ऑफ फुकेट एंड फिफी आइलैंड. और अगर आप जेम्स बॉन्ड आइलैंड भी जाते हैं देन उसका खर्चा आएगा 3,500 रुपीज़. फुकेट में खाने पीने का खर्चा होगा फॉर 2 नाइट्स एंड 3 डेज 4,000 रुपीज़. सो फुकेट में 2 से 3 दिन का खर्चा फॉर लग्जरी ट्रैवलर हो सकता है 35,000 to 37,000 एंड फॉर बजट ट्रैवलर्स इट विल कॉस्ट यू अराउंड 25,000. तो ये थी हमारी थाईलैंड की कंप्लीट गाइड. आई होप आपको ये पूरा सीरीज बहुत पसंद आया होगा. पसंद आया है तो लाइक करें एंड नए हैं तो सब्सक्राइब करें. आप हमारे चैनल पे थाईलैंड का पूरा सीरीज देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखें या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप एस्केपिंग. It's the same.